हाँ तो भाई, पठान की तरफ से एक बहुत ही बड़ी कमाल की गुड न्यूज निकल के आई है। अगर उस गुड न्यूज के बारे में डिस्क्राइब करूँ तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि भैया जिन लोगों ने पठान देख रखी है अब वो दोबारा देखने वाले हैं। हाँ तो भैया, आपने थिएटर में पठान चाहे एक बार देखी हो या 20 बार देखी हो, लेकिन फिर भी आप एक बार और देखना चाहोगे। हाँ तो भैया, आप लोगों के मन में एक ही ख्याल आ रहा होगा कि क्यों देखनी, आखिर क्या हो गया। तो इन सबका जवाब मैं वीडियो में देता हूँ। देखो भैया, हम सबको तो ये पता है कि भाई कोई सी मूवी हो चाहे पठान हो, रिलीज से पहले एक बार सेंसर बोर्ड के पास जाती है और मूवी के अंदर जो जो सीन भी गलत रहते हैं उन सीनों को सेंसर बोर्ड काट देता है। और बस ऐसा ही पठान मूवी के भी सीन काटे गए थे कुछ, जैसे कि भैया एक हेलीकॉप्टर वाला सीन है और बुर्ज खलीफा वाला सीन है और एक्शन सीन भी कुछ कट किए गए थे जो कि थिएटर के अंदर मूवी में देखने को नहीं मिले। और अब वो सीन देखने को मिलने वाले हैं, कब और कहां बस यही बताने वाला हूं। तो भैया जितने भी सीन सेंसर बोर्ड ने काट दिए गए थे अब वो दोबारा मूवी में ऐड किए जाएंगे। ऐड करने के बाद में पठान को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा जैसे कि अमेजोन है। तो भैया अमेजोन के तो बहुत सारे फायदे हो गए हैं। तो भैया पठान के कुछ इंपोर्टेंट सीन कट किए गए थे जिन्हें दोबारा मिलाकर OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। तो भैया शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग इतनी है कि भैया जितने भी कट किए गए सीन थे पब्लिक जाके दोबारा जरूर देखेगी, भले ही कम लोग देखेंगे लेकिन देखेंगे जरूर। बस इसीलिए अमेजोन को बहुत फायदा होने वाला है। तो भैया पठान मूवी अब तक OTT पे क्यों नहीं आ रही थी? तो भैया मेकर्स प्लान कर रहे थे कि जितने भी कटे हुए सीन है वो सब मिलाकर अमेजोन पर रिलीज कर दिया जाए। तो भैया जिन लोगों ने पठान मूवी थिएटर पर नहीं देखी थी और जो OTT पर इसका इंतजार कर रहे थे, अब उन लोगों को डबल मजा आने वाला है क्योंकि इसमें पूरे सीन कट हुए थे, पूरे सीन ऐड करके दिखाई जाएगी। तो भैया आप लोगों को एक बात बता दूं, जो सीन कट किए गए हैं वो आपको थिएटर में देखने को नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ आपको OTT पे देखने को मिलेंगे। आप दोबारा पठान मूवी देखेंगे या नहीं तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।